तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह वो पहला प्रोटोटाइप है, वो पहला उदाहरण है जो मनुष्य और परमेश्वर को एक होकर बना। और अब जितने हम लोग उस पर विश्वास करते हैं, हम उसी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और वैसे ही अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग मसीह यीशु में हैं, वे अब एक नई सृष्टि हैं। आमेन। हम लोग अब यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने उस वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वे परमेश्वर की संतान हो जाएं, जो ना कि मांस लहू से उत्पन्न हुए हैं, मगर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमेन। सो इस बात को इसीलिए ध्यान से समझिए। मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग जो है आज भी ईसाइयत में हैं। हम लोग किसी धर्म में नहीं हैं, हम लोग किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हम लोग किसी धर्म को बढ़ाना नहीं चाहते, हम लोग परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, और वो परमेश्वर का राज्य जो पृथ्वी पर फैल रहा है। आमेन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत में ये परमेश्वर का राज्य हर एक राज्य को अपने अधीन कर लेगा। और अंत में जब हम देखते हैं तो क्या होगा, हम अंत में जब आप वचन पढ़ेंगे तो अंत में हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि कैसे स्वर्ग पूरी रीति से पृथ्वी पर आ जाएगा। तब ना कोई मृत्यु होगी, ना कोई हत्या होगी, ना कोई बीमारी होगी। आमेन। और परमेश्वर का आज वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें, जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप कोई साधारण लोग नहीं हैं। जानते हैं आप, अपने पड़ोसी को देखिए, उनके सुंदर सुंदर चेहरे को, आप कोई साधारण लोग नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम स्वर्ग के राजदूत हैं, है ना। आप देखिए क्या होता है, अगर कोई कलीसिया में अमेरिकन एम्बेसी का कोई व्यक्ति आ जाए, कोई राजदूत आ जाए, सब लोग कहेंगे अरे 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 नीली प्लेट लगी थी उसकी गाड़ी में, अरे सूट पहन के आया था, अरे अमरीकी एम्बेसी का राजदूत आया था। अरे उस अमरीकी एम्बेसी के राजदूत से भी ज़्यादा कीमती आप लोग हो, क्योंकि आप स्वर्ग के राजदूत हो। आमेन। हम लोग ये नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं, हम लोग अपनी पहचान नहीं जानते, हम लोगों को ये समझना है कि मसीह यीशु कौन है, और हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग कौन है मसीह में। ये दो सवाल सबसे ज़रूरी हैं आपके जीवन में जानने, पहला मसीह कौन है, और दूसरा हम लोग मसीह में कौन है। आमेन। आप जानते हैं कि सब लोगों को पता है कि जब पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो वो जायदाद लिखते हैं अपने बच्चों के लिए, तो किसी को पता है ना। पर आप जानते हैं कि क्या होता है अगर पिताजी ने कोई जायदाद लिखी और जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे हैं, 3 साल के हैं, 2 साल के हैं, तो क्या उन्हें जायदाद मिलती है? नहीं। तब तक वो किसके पास रहती है? लॉयर्स के पास, एडवोकेट्स के पास, या किसी गार्जियन के पास, किसी जो देखभाल करने वाले लोग हैं उनके पास वो जायदाद रहती है। भले ही वो छोटे बच्चे, वो हो सकता है कि बहुत कोई अमीर व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा मैंशन था, एक बहुत बड़ा बंगलो था, 4-5 गाड़ियाँ थी, करोड़ों रुपये उसके अकाउंट में था, मगर उसके जो बच्चे हैं उसके बच्चों को तब तक वो जायदाद नहीं मिलेगी जब तक वो बच्चे सयाने नहीं हो जाते या एडल्ट नहीं हो जाते, 18 साल के नहीं हो जाते लॉ के हिसाब से। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, सयाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो जायदाद जो पहले से उनकी थी वो अब उस जायदाद को क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, और उसको उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है गलातियों की पुस्तक 4 में, चलिए वो पढ़ लेते हैं। गलातियों 4 उसका पहला आयत हम देखेंगे, अगर आप स्क्रीन में डाल दें उसे, गलातियों 4 पहला, देखिए क्या लिखा है। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। आमेन। बहुत सारे आज परमेश्वर के बेटे और बेटियां दासों की तरह जी रहे हैं क्योंकि वो अभी भी सयाने नहीं हुए। एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, आप समझे इस बात को, आपकी उम्र का परमेश्वर के राज्य में आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आप 80 साल के हों पृथ्वी में, मगर हो सकता है कि स्वर्ग में आपकी उम्र 3 साल हो, और हो सकता है कि आपकी उम्र 18 साल हो पृथ्वी में, मगर स्वर्ग में आप 40 साल के हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारी पृथ्वी की उम्र का स्वर्ग में सयानेपन से कोई लेना देना नहीं है। आप चर्च कितने साल से जा रहे हैं
उसका भी आपके सयानेपन से कोई लेना देना नहीं है। आप हो सकता है कि 40 साल से कलीसिया जा रहे हैं मगर फिर भी बच्चे हैं, आमीन। क्योंकि चर्च अटेंड, देखिए क्योंकि यहीं पे नेचुरल और परमेश्वर के राज्य में भेद है। यहीं पे जो हम शरीर में, शरीर में क्या होता है, अगर आप नहीं भी चाहोगे तो भी आप बढ़ोगे, है कि नहीं, आप बढ़ते रहोगे, मगर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में ये एक पार्टनरशिप है। जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागी नहीं होगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ोगे, हो सकता है आप कलीसिया में कितने समय तक रहोगे, आप बच्चे ही रहोगे। और आप क्या करोगे, आप हर समय प्रार्थना करोगे, आप प्रेयर टावर फोन करोगे, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। देखिए हम उसके विरोध में नहीं है, जब तक आप बच्चे हैं ये चलेगा, मगर समझिए कलीसिया हम क्यों आते हैं। कलीसिया हम प्रार्थना कराने के लिए नहीं आते हैं, सुन रहे हैं आप लोग, हम लोग कलीसिया प्रार्थना कराने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग कलीसिया में मसीह में बढ़ने के लिए आते हैं, आमीन, और अपना अधिकार जानने के लिए आते हैं। पुराने नियम में और नए नियम में यही भेद है। पुराने नियम में क्या था, लोगों को एक मूसा चाहिए था, मूसा हमें नहीं सुनना परमेश्वर से, भाई तुम सुन लो। आज भी कई लोग ऐसे करते हैं, है ना, कॉल करके, प्रभु क्या कह रहा है मेरी शादी के बारे में, प्रभु क्या कह रहा है मेरी जॉब के बारे में, मैं जॉब करूं या करूं, पास्टर जी जॉब करूं ना करूं, अरे वो प्रॉफिट जी जॉब करूं ना करूं, नहीं नहीं, परमेश्वर का वचन, मत्ती यीशु ने यूहन्ना 10:27 में कहा, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, आमीन। और अगर आप मसीह यीशु की भेड़ हो तो आप स्वयं परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो। कब तक आप एक दूसरे बंदे को ढूंढोगे जो आपके लिए परमेश्वर की आवाज सुन सकता है, आमीन। इसीलिए हम कलीसिया में क्यों आते हैं, कलीसिया में इसीलिए आते हैं कि हम मसीह में बढ़ सकें, मसीह की शिक्षा में बढ़ सकें, मसीह की शिक्षा हमारे अंदर जड़ पकड़ सके और हम क्या हो जाएं, सयाने हो जाएं, हम क्या हो जाएं, सयाने हो जाएं, आमीन। कि ताकि, देखिए इस बात को समझिए, जो डिसाइपलशिप का गोल है, जो चेले बनाने का जो उद्देश्य है, वो क्या है कि आप एक मैच्योर सन हो जाएं, यानी आप एक सयाने बेटे बन जाएं, परिपक्व बन जाएं अपनी उम्र में, ताकि जो परमेश्वर के पुत्रों का जो अधिकार है उस अधिकार में आप चल सकें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, देखिए इसीलिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ, पूरा परिपक्व होके 30 साल का नहीं, कैसे पैदा हुआ, छोटे बच्चे की तरह, और फिर उसने क्या किया, वो बढ़ने लगा। जब हम परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या किया, वो बुद्धि ज्ञान और परमेश्वर के डील डोल में बढ़ने लग गया। क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने, वो बुद्धि में ज्ञान में और परमेश्वर के डील डोल में बढ़ने लग गया। उसने क्या किया, उसने अपने आप को जो अथॉरिटी थी उसको सबमिट किया। और वैसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं हमें क्या करना है, हमें बुद्धि में ज्ञान में और परमेश्वर के डील डॉल में बढ़ना है, आमीन। मगर फिर एक समय आया जब वो सयाना हो गया, और जब वो सयाना हुआ तो वो परमेश्वर के पुत्र के अधिकार में चलने लग गया, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने लग गया, वो आंधियों को डांटने लग गया, वो मुर्दों को जिंदा करने लग गया। उसके वचन में वही शक्ति थी जो परमेश्वर की थी, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो क्या करेंगे, वो कॉल करेंगे नहीं, क्या करेंगे, वो मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे, आमीन। आप में से कितने लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, आमीन। यानी ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है हमारे लिए कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो केवल हम कहानी नहीं सुनेंगे कि प्रभु ने ऐसा किया, हम भी प्रभु यीशु मसीह जैसे कार्य करेंगे। और केवल ऐसे ही नहीं, प्रभु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे, आमीन। सो इस बात को समझिए कि कलीसिया एक स्कूल की तरह है। क्या है कलीसिया, एक स्कूल की तरह, एक कॉलेज की तरह, जहां पे आप क्या करते हैं, आप सीखने के लिए आते हैं। और मैं बता रहा हूं, जब तक हमारा जो एटीट्यूड है वो सीखने का नहीं होगा, तो आप कलीसिया आएंगे, आप अच्छा गाना सुनेंगे, आप कहेंगे अरे बहुत मजा आया, आज हमने हाथ घुमाया, तेरी दया, फिर हम घर चले गए। मगर इसके लिए हम कलीसिया में नहीं आते। हम क्यों आते हैं,
सीखने के लिए और मसीह में परिपक्व बनने के लिए। क्योंकि हमने क्या सीखा गलातियों 4 में कि यदि जो उत्तराधिकारी है जिसके लिए सारी जायदाद है, आप इस बात को समझिए, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो परमेश्वर ने चंगाई आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने छुटकारा आपके लिए रखा है, परमेश्वर ने समृद्धि आपके लिए रखी है, परमेश्वर ने अलौकिक स्वास्थ्य आपके लिए रखा है, परमेश्वर ने अपना फेवर अपनी ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा है, आमीन। मगर वो ऐसे ही नहीं होगा, आपको उसके लिए परिपक्व बनना पड़ेगा, आमीन, कि ताकि आप अपनी इनहेरिटेंस में चल सकें, आप उस जायदाद उस वारिस जो आपके लिए परमेश्वर ने दे दिया है उसको आप ग्रहण करना सीखें, आमीन। इसीलिए हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें यह निर्णय लेना है कि हमें मसीह में बढ़ना है। क्या करना है, हमें निर्णय लेना है कि हमें मसीह में बढ़ना है। और अगर एक छोटा बच्चा है उसको क्या देते हैं हम जो पैदा होता है, आप बोल नहीं रहे, क्या देते हैं, दूध देते हैं। और जो पीटर है, पतरस कहता है कि जो नए जन्मे विश्वासी हैं उनको क्या चाहिए, वचन का दूध। देखिए वचन ही दूध भी है और वचन ही ठोस खाना भी है, आमीन। सो एक ही तरीके से हम लोग बढ़ सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। देखिए मैं मेरा हार्ट समझिएगा, मैं किसी को निशाना करके कुछ कह नहीं रहा हूँ, मगर हर किसी को आराधना करना बहुत पसंद है, हम मुझे भी पसंद है, बट हम क्या करें, लोग क्या करते हैं, कलीसिया में आते हैं आराधना करते हैं फिर जब वचन पढ़ता दे अलग, और फिर मसीह लोग सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में फल नहीं है। आराधना का अपना जगह है, आराधना का अपना स्थान है, हम लोग आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं, मगर वो सब्स्टिट्यूट नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए। आप समझ रहे हैं, आराधना परमेश्वर के वचन का क्या बोलेंगे सैम, स्थान नहीं ले सकता। आराधना की अपनी जगह है, परमेश्वर के वचन की अपनी जगह है। परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि आराधना करके हम बढ़ जाएंगे परमेश्वर के राज्य में, नहीं। एक ही तरीका, जो आपका भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन। आपका भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन। और मैंने एक चीज देखी है अपने जीवन में भी देखा है, जब पहले हम कलीसिया जाते थे तो हम बहुत एक्साइट रहते थे, अरे आज हम लोग ये आराधना सुनेंगे, वाह वाह वाह, अरे मेरा वो वाला गाना गाना, अरे हाँ सैम भैया ने मेरा गाना गाया, मजा आ गया, हम भी ऐसे कलीसिया जाते। मगर एक टाइम आया जो हमारा एक्साइटमेंट था, जो हमारा उत्साह था, वो आराधना में तो था ही मगर वो वचन में भी आ गया। फिर हम लोग भूखे होके जाते थे कि आज हम कुछ सीखेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में, और जो सीखेंगे उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करेंगे, आमीन। और देखिए जब आप परमेश्वर के वचन को खाने लग जाएंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में डालने लग जाएंगे, तो आप अपने आप सयाने होने लग जाएंगे, आप अपने आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ने लग जाएंगे। और जब आप परमेश्वर के राज्य में बड़े होने लग जाएंगे तो उसका एक चिन्ह क्या होगा आप जानते हैं, आप स्वयं परमेश्वर की आवाज सुनने लग जाएंगे, आमीन। देखिए मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि अगर आपको जरूरत है तो आप किसी को कॉल करिए, वो है, मगर सालों आपको कलीसिया में हो जाए और तब भी आप किसी को ढूंढते हैं कॉल करने के लिए, तो आप अपना अधिकार अभी नहीं जाने, आमीन। प्लीज हमें गलत मत समझिएगा, हम लोग यहाँ हैं, अगर आपको हम लोग लाइव ग्रुप लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, मगर स्टार्टिंग में ठीक है, मगर जब आपको समय होता जाए तो वो समय अब आप अपने भाई बहनों का बर्डन लो, अब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करो, अब आप प्रार्थना करो तो दूसरे लोग चंगे हो जाएं, अब आप प्रार्थना करो तो दूसरों की दुष्ट आत्माएं निकलें, आमीन। परमेश्वर यही चाहता है कि जिस व्यक्ति का पहले छुटकारा हो वो व्यक्ति बाद में दूसरों के छुटकारे का कारण बने, आमीन। परमेश्वर चाहता है जो व्यक्ति पहले बीमार था और चंगा हो वो व्यक्ति बाद में जाकर और बीमारों को चंगा करे, आमीन। ये परमेश्वर का हृदय है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये एक व्यक्ति का काम है, ये पास्टर का काम है, पास्टर प्रार्थना करेगा, नहीं नहीं, हम सब का कार्य है। प्रभु ने हम सब को बोला है, क्या बोला है, जगत के छोर तक जाओ, क्या करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में क्या करो, आगे दो, आमीन। सो देखिए मुझे 15 साल हो गए हैं मसीह में, और इन 15 सालों में मैंने एक चीज देखी, मैंने उन मसीहों को मसीह के जीवन में राज्य करते हुए देखा जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया, आमीन।
मैंने उन मसीहों को परिस्थितियों के ऊपर आते हुए देखा जिन्होंने जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन का आदर करने लग जाएंगे, परमेश्वर आपको वो सामर्थ देगा कि आप हमेशा परिस्थितियों के नीचे नहीं मगर आप परिस्थितियों के ऊपर होंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी जन है उसके ऊपर बहुत विपत्तियां आएंगी आएंगी। प्रभु का वचन कभी नहीं कहता, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मुझ में विश्वास करो और क्या बोलते हैं उसे, फूलों का क्या, फूलों का रास्ता, फूलों से भरा हुआ रास्ता है आपका, अब आपको कोई ठेस, अरे हम तो प्रभु में, ऐसा क्यों किया। नहीं, सुनिए इस बात को, अगर आप मसीह में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन पे तो और भी विपत्तियां आती हैं। कितनी आती हैं? और आती हैं, मगर यहोवा उनको सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर की हमारे ऊपर प्रतिज्ञा है, चाहे कितनी भी विपत्तियां हमारे विरोध में आए, परमेश्वर हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है कि हम परिस्थितियों के नीचे नहीं मगर हम परिस्थितियों के ऊपर होंगे। आमीन। मगर ये तभी होगा जब आप सब अपने हृदय में इस निर्णय को बनाएं कि मैं परमेश्वर के राज्य में परिपक्व बनूंगा। मैं केवल एक, देखिए समझिए इस बात को, क्योंकि मैं हिंदू परिवार से, और मैं समझता हूँ आप में से कई और लोग भी हैं, हम लोग सोचते हम सत्संग सुनने जा रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, ये सत्संग नहीं है, ये प्रभु का वचन है। आमीन। यहाँ पे हम केवल शांति के लिए नहीं आ रहे, हम लोग बढ़ने के लिए आ रहे हैं मसीह में। आमीन। हम लोग परिपक्व होने के लिए आ रहे हैं कि ताकि जो काम मसीह यीशु ने करे वही काम हम भी कर सकें। आमीन। हालेलुया। हाँ, तो ये सत्संग नहीं है, मतलब सत्संग है इन द सेंस यीशु मसीह सत्य है और उसके साथ हम फेलोशिप कर रहे हैं तो संग भी है, बट मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि भैया कुछ भजन सुन लेंगे, कुछ अच्छा सुन लेंगे, घर चले जाएंगे, शांति मिल गई। नहीं नहीं नहीं, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस निर्णय के साथ बैठिए कि मुझे मसीह यीशु में परिपक्व बनना है कि ताकि मैं परमेश्वर के बेटे की तरह उस अधिकार में इस पृथ्वी पर चल सकूँ। आपको पता है क्या होगा जब परमेश्वर के बेटे के अधिकार में हम लोग चलने लग जाएंगे? आंधियां और तूफान आपकी बात को मानेंगी, दुष्ट आत्माएं आपके एक शब्द में निकल के चली जाएंगी, बीमारों के आप ऊपर हाथ रखेंगे, आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, हमें वचन में क्या करना है, परिपक्व होना है, हमें वचन के लिए भूखे होना है ना। मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ और बहुत ही थोड़ा मजाक के उदाहरण है। एक बार हम एक विश्वासी के घर में गए थे, है ना, तो हम उनके घर पे गए और उन्होंने कहा, अरे पास्टर जी दुष्ट आत्माओं ने बड़ा सता रखा है, बहुत परेशान है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बाइबल लेके आइए, आपको सिखाते हैं। तो वो बाइबल ऐसे लेके आई, जो बाइबल थी ना उसके ऊपर इतनी धूल लगी थी, तो जब परमेश्वर के वचन में धूल लगी होगी तो ऐसे ही होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, कि परमेश्वर का वचन क्या है, दो धारी तलवार है। और आप जानते हैं दो लकड़हारे थे, क्या थे, लकड़हारे, आपको पता है लकड़हारे क्या होता है? देखो ग्रेस दे रहा है प्रभु मुझे। सो दो लकड़हारे थे, है ना, दोनों ने क्या किया, एक ही दुकान से वो कुल्हाड़ी खरीदी, ठीक है, और दोनों जो हैं वो साथ में पेड़ काटने गए। एक महीने बाद एक ने 20 काटे, एक ने 40 काटे, आप बताओ क्यों? जिसने ज़्यादा मेहनत करी उसने 20 काटे, जिसने कम मेहनत करी उसने 40 काटे, आप बताओ क्यों? क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति था वो पेड़ काटते काटते वो बीच में टाइम लगा के कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। आमीन। हमें भी क्या करना है अपने जीवन में, क्या करना है, धार को तेज करना है। कैसे करेंगे आप धार को तेज? जब आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालेंगे, जब आप परमेश्वर में उस पे आप परिपक्व हो जाएंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी धार को तेज कर रहे हैं। और कोई भी, आप जानते हैं, अगर चलिए मैं इस बात को कहता हूँ, कई लोग कहते हैं जी हम बंधन में, हमें बांध दिया उसने, ये कर दिया वो कर दिया। अगर आपकी तलवार की धार तेज है तो कोई चेन आपको नहीं बांध सकती, कोई जादू टोना आपको नहीं बांध सकता, कोई दुष्ट आत्मा आपको नहीं बांध सकती, कोई ऐसा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर का वचन जिसको ना काट सके। आमीन।
भाई हमें इसने बांध दिया, उसने बांध दिया, अरे रील का धागा है वो परमेश्वर के वचन के आगे। और परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी पैनी तलवार, आमेन। यानी अगर आपके मुख से उस परमेश्वर की वचन की तलवार लगातार निकल रही है तो कोई भी चीज आपको बांध नहीं सकती, आमेन। सो पहली चीज हमें क्या करना है, हमें ये एटीट्यूड रखना है, हमें ये ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन में क्या करना है, परिपक्व होना है, आमेन। क्योंकि जब हम सयाने हो जाएंगे तो क्या होगा, हम अपने पिता की विरासत में चल सकेंगे, आमेन। वरना देखिए मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ, प्लीज़ हमारे हृदय को समझिए। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं कई मसीह लोगों को देखता हूँ, इसलिए दुख होता है क्योंकि प्रभु ने उनके लिए कितना कुछ रखा हुआ है मगर वो प्रभु को नहीं समझते। वो केवल वो सोचते हैं कि अरे हमारा बच्चा ठीक नहीं है, प्रार्थना करा लो, अरे ये हो रहा है प्रार्थना करा लो, अरे बच्चे के एग्जाम है प्रार्थना करा लो। सो वो नहीं जानते कि परमेश्वर उतना ही उनका परमेश्वर है, परमेश्वर ने उनको वो अधिकार दिया है जो परमेश्वर ने किसी भी और व्यक्ति को दिया है, आमेन। और परमेश्वर उनके साथ क्या चाहता है, व्यक्तिगत रिश्ता चाहता है। ध्यान सुनिए, मैं आपको एक बात कहूंगा, आई कैन हियर गॉड विद यू, आई विल नॉट हियर गॉड फॉर यू। मैं आपके साथ परमेश्वर को सुन सकता हूं यहां पे, मगर आपको स्वयं परमेश्वर को अपने जीवन में सुनना पड़ेगा, आमेन। और यही परिपक्व होने की निशानी है कि आप, और यही इसीलिए परमेश्वर ने चरवाहों को रखा है। आप जानते हैं चरवाहों को इसलिए नहीं रखा कि चरवाहा लोगों की सब प्रार्थना करता रहे। कई लोगों को लगा अरे ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं,